वाला आ चुका है, कैब वाले के पास चलते हैं और यहाँ से सीधा मेट्रो, और मेट्रो से फिर आगे देखते हैं चलना है कहाँ नहीं चलना है। सो कीप वॉचिंग चैनल। तो फाइनली आई हैव डिसाइडेड टू गो सीपी, और सीपी चल कर कुछ खाते हैं पीते हैं और सीपी का नज़ारा देखते हैं कि क्या चल रहा है अभी कोविड के सिनेरियो में इन द मंथ ऑफ फरवरी, क्या सब कुछ नॉर्मल है या नहीं है। और गाइज यहाँ पर सीपी में पहुँच चुका हूँ, और सीपी पहुँचने के बाद सबसे पहले तो बहुत ज़ोर से मुझे भूख लगी है, तो चलते हैं पहले हनुमान जी के मंदिर के पास, और वहाँ पर कचौड़ी और समोसे बहुत टेस्टी मिलते हैं जो कि आप देख रहे हो। और ये कचौड़ी और समोसे से मिर्च जो है वो निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इसके टेस्टी खाने को खाएंगे। वाह क्या स्वाद है, मज़ा आ गया। चलिए मैं इसको खा लेता हूँ, कंप्लीट खा लेता हूँ। अपने साथ दोस्त है मेरे साथ, मैं दोस्त को भी इसी के खाने के लिए कह रहा हूँ, तुम भी जल्दी से खा लो। और यहाँ पे जो ज्योतिषी जी हैं वो दूसरों के हाथ देख करके भविष्य बता रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। क्या कभी आपने अपना हाथ दिखवाया है किसी ज्योतिषी से या पंडित से, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओहो हो, और इसी के साथ मैं अपना दूसरा बाइट ले रहा हूँ, क्या मज़ेदार बाइट्स भी हैं, मज़ा आ रहा है। खाना ख़त्म होने के बाद चलते हैं सीधा घूमने के लिए, और ये सामने आप देख रहे हैं ग्रास के गार्डन्स हैं, ग्रास लगे हुए हैं दीवार पे जो कि काफ़ी अच्छा लुक और डिज़ाइन दे रहे हैं। और इसके बाद अगेन मार्केट घूमते हुए हम लोग चलेंगे आइसक्रीम खाने के लिए, और ये सीपी का नज़ारा आप देखते जाएंगे। ये रहा फ्लैग, जय हिंद वंदे मातरम। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर है, बट ये जो लुक आप देख रहे हैं ना ये बहुत ही शानदार लग रहा है देखने में एक्चुअली कैमरे में। और इसी के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, धीरे 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 आगे बढ़ते जाते हैं। कैमरा मैं जो यहाँ यूज़ कर रहा हूँ ये है DJI Osmo Pocket 2। यदि आपने इसका अनबॉक्सिंग नहीं देखा है तो आप मेन चैनल पर जा करके अनबॉक्सिंग देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर रोड पर देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्राउड भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं हुआ है। लोग अभी भी घूम रहे हैं फिर रहे हैं, फैब का मंथ है, ऑलमोस्ट सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। लेकिन किसे पता था कि अप्रैल के मंथ के बाद से फिर से लॉकडाउन लग जाएगा, लॉकडाउन का फेज 2 आ जाएगा। तो गाइस अभी जो वीडियो मैं एडिट कर रहा हूँ ये बेसिकली इन द मंथ ऑफ मई एडिट कर रहा हूँ इस वीडियो को, और आप लोग मई में देख पा रहे हो, यानी कि 3 महीना डिले चल रहा है। एल्स यहाँ पे घूमने फिरने का मज़ा ही कुछ और है, आप कितना भी समय बिता लो मज़ा ही आता। और ये मेरे लिए लाइफ का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट और मज़ेदार टाइम होगा जहाँ जब मैंने बेसिकली फायर वाला पान जो है ट्राई किया। डोंट इवन नो कि कैसा लगेगा नहीं लगेगा। और इस पान में देख सकते हो आप कि क्या क्या चीज़ें मिक्स की जा रही है, मीठा मिक्स किया, और ये पता नहीं कौन सा चूरन है या क्या है वो मिक्स कर रहा है, ये बर्फ़ हो गया जिसको मिक्स किया। अच्छा वो बेसिकली कपूर था जिससे आग फायर लग सकती है। तो ये बेसिकली पान जो है मेरा आग वाला वो तैयार हो चुका है और अब ये देने वाला है। मेरे मन में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और पीछे लोग देख रहे हैं कैसा, और ये घबराते हुए मैं आपको एक बता नहीं सकता किस टाइम पे मेरे मुंह में ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि अंदर में मेरा एक दांत जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, तो जैसे ये ठंडा गया अंदर तो मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब फील होने लगा। मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, फ्रेंड मेरे से पूछ रहा है, बट मैं एक्सप्रेस अपनी चीज़ों को नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ रुक जाओ बताता हूँ, रुक जाओ बताता हूँ मैं। और पान का स्वाद तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि मैं पान खा रहा हूँ नहीं खा रहा हूँ, क्योंकि पान का स्वाद इससे पहले कभी मैंने ट्राई किया नहीं है। मैंने किसी तरीके से पान को ख़त्म किया और इसके रैपर को, यानी कि मूस को ताव देते हुए रैपर को थोड़ा साइड में जाके फेंक आते हैं, और फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं आगे क्या करना है नहीं करना है। सॉरी ये कौन सा पान है? ये सारा मीठा पान है, और ये तो चॉकलेट पान को भी ठंडा करोगे आप? और ठंडा पान करने के बाद कैसा कुछ दिखेगा? ठंडा करने के बाद में खाने में टेस्टी होगा सर, अच्छा होगा। और ये? ये गुंडी पान है, ये भी ठंडा खाने में ज्यादा अच्छा होता है। सही है। और कौन कौन से पान बच गए? चॉकलेट, फ्रूटन नट, बटर स्कॉच, ब्लैक करंट, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, नट चॉकलेट, बटर स्कॉच, ब्लूबेरी, बहुत सारा पान है आपके पास। अरे बहुत तरीके का, मुरई मीठा, मीनाक्षी मीठा, गुलाबों। और नाम आपका हो गया दुकान का? किशन पान, जम्बू पान, इत्र पान। चलो बहुत सही लगा, फर्स्ट टाइम ट्राई किया था ये फायर पान। और यह है उद्योन पान दुकान, और इसके सामने आपको देखने को मिलता है क्रोमा का स्टोर। तो इस लोकेशन पर आने के लिए आप बहुत आसानी से आ सकते हैं। पान खाने के बाद थोड़ा सा अजीब फीलिंग आ रही है, अभी 10-15 मिनट के बाद मुंह में थोड़ा अजीब सा स्वाद आ रहा है। अभी चलते हैं आइसक्रीम खाते हैं, और आइसक्रीम खा करके मुँह के स्वाद को चेंज करते हैं।
और उस समय की जो फीलिंग्स थी वो बहुत ही शानदार मज़ेदार थी, क्योंकि एक्साइटमेंट था, बट फर्स्ट टाइम खाने की वजह से थोड़ा सा अजीब लग रहा है अभी। गाइस मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आगे की रिकॉर्डिंग जो बहुत ही धमाकेदार कंटेंट था गाइस वो मिस हो गया। क्यों? क्योंकि कैमरे की जो बैटरी है वो नल हो गई, ख़त्म हो गई एक्चुअली। और अभी जो आप ये अपार्टमेंट्स देख रहे हैं ये बेसिकली MG रोड मेट्रो स्टेशन के पास के अपार्टमेंट्स है। काफ़ी सुंदर लगता है, काफ़ी सुंदर इसका अपार्टमेंट देखने में बाहर से लगता है। और यहाँ से सीधा हुड्डा सिटी सेंटर में जाके ही मेरा स्टॉपेज होगा। वहाँ के कुछ नज़ारे आपको मैं दिखाता हूँ, आई होप आप उसको मज़ा करेंगे। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है गाइज, यू गाइज आर इनफ स्मार्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताओ कि आपको क्या अच्छा लगा, नहीं लगा, आप कहाँ कहाँ घूम चुके हो। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ गाइज कि इससे भी ज़्यादा मज़ेदार कंटेंट आपको आगे चैनल पर मिलते रहेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा, एंटरटेनमेंट बहुत मिलेगा और साथ ही साथ कई सारे मोटिवेशनल कोर्स और मोटिवेशनल वीडियोज़ वगैरह आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आपके सब्सक्रिप्शन वाला ही तो प्यार चाहिए गाइस, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मज़ा कैसे आएगा। चलो गाइस, टेक केयर, बाय बाय।